नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम आधारित है, मतलब जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यह किस पर बेस्ड होता है। तो मैं आंसर बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है। क्योंकि हम जानते हैं जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है थ्योरी एग्जाम वाला, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आते हैं वह 10 नंबर के पूछे आते हैं और सभी चैप्टरों से पूछे आते हैं, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये किस पर होता है बेस्ड, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एन एग्जाम्पल ऑफ आ रेडिएटर, जो रेडिएटर है यह किसका एग्जाम्पल है, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम होते हैं उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका एग्जाम्पल है रेडिएटर। तो जो क्लोज सिस्टम है इसका एग्जाम्पल होता है रेडिएटर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारी ए बी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर मैंने वीडियो के साथ पीडीएफ भी अटैच कर दिए, तो पीडीएफ से भी वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। और जो लोग पीडीएफ कोर्स से स्टडी कर रहे हैं तो पीडीएफ कोर्स में भी मैंने इसकी सभी चैप्टरों की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ है उसको भी मैंने अटैच कर दिया है। और जिनके पास ए बी क्लास एप्लीकेशन नहीं है वह डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी सब्सक्रिप्शन है या जो भी कोर्स की फीस है वह देकर आप स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने वीडियो बनाकर उसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो पूरा देख लें तो सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। तो जो प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों ही एग्जाम्पल है किसके, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एंट्रोपी इज, मतलब ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि एंट्रोपी किस टाइप की प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, तो जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये हमारी एंट्रोपी का एग्जाम्पल होता है। याद रखें यहाँ पर कुछ मैं समझा नहीं रहा हूँ, उसका रीजन है कि मैं ऑलरेडी थ्योरी के एग्जाम के पर्पज से आपको सभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उन टॉपिक से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वह मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट क्या होती है, तो जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम, जूल पर केल्विन, क्या होती है जूल पर केल्विन, तो ये यूनिट हो गई हमारी एंट्रोपी की। क्योंकि इस तरह की हम लोगों की यूनिट कम याद रहती है इसलिए पूछ लिया जाता है कई बार, तो जे से जूल हो गया और के से हमारा केल्विन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी, जो एंथैल्पी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर लिखा डीएच, डीएच मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी हो गया या चेंज इन एंथैल्पी, और इक्वल हो गया डीयू प्लस डीडब्ल्यू, डीयू क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस डीडब्ल्यू मतलब चेंज इन वर्क डन, तो हमारा ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्वेश्चन पूछा है जो डिफरेंट टाइप्स की हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें से पूछ रहा है कि किस प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी वह जीरो होती है। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है उसमें इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमारी इंटरनल एनर्जी वह कैसी होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है
द वर्क डन ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इस दौरान जो वर्क डन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ये होता है पी और ब्रैकेट के अंदर V2 - V1। V2 V1 क्या है, हमारी वॉल्यूम की सीमा है, और P क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात की जा रही है, और MR T2 - T1 टेम्परेचर के फॉर्म में हो गया। तो दोनों ही राइट हैं, तो इस हिसाब से हम देखें तो डी वाला ऑप्शन में लिखा ए बी, तो हमारा ए बी वाला दोनों ही राइट हैं, तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। ऐसे सभी स्टूडेंट जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपके थर्ड सेम के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस कंप्लीट हो सकें और आप उनकी स्टडी कर सकें। इसके अलावा आप फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में सभी में स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर भी इस चैनल से आप सभी सब्जेक्टों की स्टडी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द आइसोबैरिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एन इज, जो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वैल्यू एन की कैसी होती है, जीरो होती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जीरो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क डन इक्वल जीरो, मतलब किस प्रोसेस के अंदर वर्क डन जीरो होता है। तो सभी लोग जानते होंगे यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट की स्टडी की होगी, जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसमें वर्क डन कैसा होता है, जीरो होता। तो इसका भी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि एंट्रोपी है या पाथ फंक्शन है या फिर पॉइंट फंक्शन है। तो जो एंट्रोपी होती है यह हमारी होती है पॉइंट फंक्शन, कौन सी फंक्शन होती है, पॉइंट फंक्शन। ये सभी जो भी पाथ फंक्शन हो या फिर पॉइंट फंक्शन हो, इन सबकी थ्योरी मैं समझा चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो मिल जाएंगे और हमारी ए बी क्लास एप्लीकेशन के अंदर वीडियो भी मिल जाएगा और PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है या फिर पॉइंट फंक्शन है। तो हीट एंड वर्क कौन सा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आप रट लें, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, मतलब इन दोनों में से नहीं, पूरे जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में बता रहा हूँ पहले चैप्टर से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से बनने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अ रिवर्सिबल मल्टी स्टेप प्रोसेस इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशन है, पी बी की पावर एन इक्वल सी, अपनों मैक्सिमम इसका यूज किया होगा, तो इसी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज फॉर्मुलेटेड, मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जूल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा, जूल के द्वारा, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इन एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क इज डन, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इसका वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है। तो ये P2V2 - P1V1/1 - γ, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो अभी तक बार बार पूछे जा रहे थे, उम्मीद है इनमें से आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें। ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर और मैं लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।